Happy Diwali to all my viewers and Naz Food Khazana family. On this precious occasion, मैं लेके आई हूँ आप सबके लिए most favorable sweet dish गुलाब जामुन. दिवाली में shopping and सफाई के rush में instant गुलाब जामुन बनाने का बहुत ही simple and आसान तरीका आज सीखेंगे हम. Instant गुलाब जामुन pack and milk. Start करते हैं इसे बनाना. सबसे पहले जो अपना ये पैक रहेगा उसको एक बाउल में निकाल लेंगे. जो क्वांटिटी आपको चाहिए, बेसिकली ये एक पैक से 100 गुलाब जामुन बनते हैं, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे. आपको कितना चाहिए उस क्वांटिटी में निकाल लें और इसमें धीरे धीरे मिल्क ऐड करें और इसको अच्छे से मिलाएंगे. इसे मिक्स करने में हमें थोड़ा टाइम देना होगा, एटलीस्ट 10-15 मिनट्स बहुत अच्छे से इसको मलेंगे. बिकॉज जो हम गुलाब जामुन बनाएंगे, जो गोले, उसमें कोई क्रैक नहीं आना चाहिए और वो क्रैक तब नहीं आएगा जब ये बहुत अच्छे से मिक्स हो गया रहेगा. कि देख सकते हैं आप, बहुत अच्छा मिक्स कर चुके हैं हम इसे. अब इसे साइड में रख देते हैं और कढ़ाई में ऑयल ऐड कर लेते हैं. जब तक ऑयल गर्म होगा हम गोले रेडी कर लेते हैं गुलाब जामुन के. इसके लिए मैंने यहाँ घी लिया है. घी से अपने हैंड को अच्छे से ग्रीस कर लूँगी, फिर बहुत स्मॉल स्मॉल पीसेस लेके इसके गोले बनाने शुरू कर देंगे. इसके गोले हमें बहुत अच्छे बनाने हैं, बिल्कुल ही स्मूथ और कोई भी क्रैक नहीं होना चाहिए. अगर इसमें ज़रा सा भी क्रैक दिखा ना तो ये जब फ्राई होगा तो ये फट ही जाएगा. इसलिए क्रैक बिल्कुल नहीं आने देने हैं और वन बाय वन सारे गोले रेडी कर लेने हैं. और मिक्सचर रेडी करने के बाद इसे ज़्यादा देर बिल्कुल नहीं छोड़ना है, साथ के साथ गोले रेडी ही कर लेने हैं. और ये हो गए अपने सारे गोले रेडी. देख सकते हैं आप, इसमें आपको कोई भी क्रैक बिल्कुल नहीं दिखेगा. चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, वो रहेगा चाशनी प्रिपेयर करने का. इसके लिए हमने 1 कप वाटर, 2 कप शुगर, रोज वाटर एंड इलायची पाउडर लेंगे. पानी को सबसे पहले गर्म करेंगे, उसमें ऐड करेंगे शुगर और जैसे ही शुगर मिक्स हो जाएगा अच्छे से वाटर में, देन उसमें ऐड कर देंगे रोज़ वाटर एंड इलायची पाउडर, जो टेस्ट को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है और थोड़ा चाशनी में खुशबू आ जाती है. यहाँ ऑयल को ऑलमोस्ट हमने अच्छा खासा गर्म कर लिया है. इसमें गोले ऐड करने से पहले एक राउंड स्टर देंगे. इससे क्या होगा, ऑयल अपना मूविंग रहेगा तो इसमें गुलाब जामुन चिपकेगा नहीं कढ़ाई में. ये हमने चेक किया, अभी बहुत ज़्यादा हॉट नहीं हुआ है तो थोड़ा और वेट कर लेंगे. जैसे ही गुलाब जामुन ऊपर आने लगेगा इट मींस तेल बिल्कुल रेडी है रेस्ट गुलाब जामुन डालने के लिए. अब वन बाय वन करके सारे गोले ऐड कर देंगे ऑयल में. और ऑयल हमेशा मूविंग होना चाहिए ताकि चिपके नहीं, ये आप ऐसे मूव करते रहेंगे. इसे हमें कंटिन्यूसली स्टर करना है, बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते. अगर छोड़ेंगे तो ये फिर जल जाएगा और कढ़ाई में चिपक जाएगा. तो कंटिन्यूसली इसे और बहुत ही हल्के हाथों से साइड साइड से इसे चलाएंगे ताकि अपने गुलाब जामुन टूटे नहीं. और धीरे धीरे ये कलर चेंज करना भी शुरू हो जाएगा. इसको हम 2 कलर में निकाल सकते हैं, या तो आप लाइट ब्राउन में निकालें तो वो गुलाब जामुन हो जाएगा, और अगर आप इसे ज़्यादा फ्राई कर देते हैं, ब्लैक कर देंगे, तो वो अपना ब्लैक कलर का भी गुलाब जामुन हो सकता है. ये देखिए ऑलमोस्ट कलर चेंज होने लगा है और लाइट ब्राउन कलर भी हो चुका है. मैं तो इसे लाइट ब्राउन ही रखूँगी. तो फटाफट इसे निकाल के हम चाशनी में ऐड करना शुरू करते हैं. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमें गोले को निकाल के पहले अलग रखना है फिर चाशनी ठंडा करना, नहीं, सीधा ऑयल से निकालेंगे और चाशनी में डाल देंगे. एक और चीज़ जो आपने नोटिस किया होगा, गुलाब जामुन का साइज़. हमने बहुत ही छोटे गोले बनाए थे, जब इसे फ्राई किया तो इसका साइज़ उससे डबल हो गया. अब नेक्स्ट जब हम इसे चाशनी में डालेंगे तो एक बार फिर से इसका साइज़ चेंज होगा और ये और भी ज़्यादा फूलेगा और बहुत स्पॉन्जी हो जाएगा. ये चाशनी में इसे मिनिमम 1 आवर के लिए फूलने देंगे और इसे ढक के रख देंगे. देख सकते हैं आप इसका कलर, कितना सुनहरा ब्राउन कलर आ चुका है और साइज भी डबल हो गया है. तो फिर देर किस बात की, करते हैं फटाफट इसे सर्व
और खुश कर देते हैं घर के बच्चे, बड़े और गेस्ट्स को भी। दिस दिवाली ओनली होममेड फूड। यस, देख सकते हैं आप, लग रहे हैं ना बिल्कुल मार्केट जैसे गुलाब जामुन, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब। सो फ्रेंड्स, होप आपको मेरी ये दिवाली स्पेशल गुलाब जामुन रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। यहाँ तक आपने इस वीडियो को देख लिया है, थैंक यू सो मच। एंड अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें फॉर अपकमिंग वीडियोस नोटिफिकेशन। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे भी, उस पर मैं अच्छे अच्छे पोस्ट डालते रहती हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Once again, wishing you and your family a very happy and safe Diwali. Enjoy hard. Bye-bye.